हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महातम अध्याय 26 की प्रस्तुति। रुक्मिण हिरण। श्री पराशर जी बोले, विंधर्व देशातंक गर्त कुंडिन पर नामक नागर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उन्होंने रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी नामक की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और चारुहासिनी रुक्मिणी ने श्री कृष्णचंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मिणी ने उन्हें रुक्मिणी न दी। महाप्रकर्मिक भीष्मक सेन जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध और आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्म के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि युद्धवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र भी चेदीराज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडित हुए आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंप कर श्री हरि ने उनका कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रिक दंतवक्र विदुरथ शिशुपाल जरासंध और शाल्य आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि युश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मिणी ने यह प्रतिज्ञा पाकर मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश न करूँगा कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से हो हाथी रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मिणी का सम्यक वेदोवक्त रीति से पानी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश में उत्पन्न हुए वीर्यधान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें संब्रासुर हर ले गया था और फिर कालक्रम से जिन्होंने संब्रासुर का वध किया था। तो भक्तगण, ये थी वैशाख मास महात्म अध्याय 26 की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।